स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास विद मी संगीता खटकर फैकल्टी ऑफ कुरोज इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अ बाइसिकल बिल्ट फॉर टू। दिस पोएम इज रिटन बाय कैरोलिन विल्स। सो लेट्स नो अबाउट द ऑथर। कैरोलिन विल्स वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड poet remembered for her popular mystery detective stories, children's fiction and humorous works. The Carol Wells jinka birth 1862 mein hua tha and unki death 1942 mein hui thi, wo ek American writer thi, ek poet thi and wo kis cheez ke liye popular thi? Mystery aur detective stories ke liye, children's fiction ke liye and humorous works unhone likhi hain, us cheez ke liye wo famous thi. Wells wrote numerous novels and a collection of poetry such as Patty Fairfield and a nonsense anthology. Her autobiography The Rest of My Life was published in 1937 और उन्होंने अपनी autobiography भी लिखी थी जिसका नेम था Rest of My Life जो कि published हुई थी 1937 पे। So now अब हम रीड आउट करने वाले हैं हमारे बहुत ही फनी से पोएम जो कि रिलेटेड है एक ईल से। रीड द फॉलोइंग पोएम वेयर टू ईल्स ट्राई टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू अ फनी प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या होता है कि एक एम्बिशियस ईल होता है और वो चाहता है एक बाइसिकल को राइड करना, बट पता है प्रॉब्लम क्या थी? वो ईल जो है जब बाइसिकल को राइड करने की कोशिश करता है तो वो उसको राइड नहीं कर पाता है बिकॉज उसकी टेल एक साइड से ही पैडलिंग कर पाती है, एक साइड का पैडल लग पाता है दूसरी तरफ का नहीं। देन उसका फ्रेंड आता है और वो मिलकर इस फनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। देयर वाज एन एंबिशियस यंग ईल हु डिटरमाइंड टू राइड ऑन अ व्हील बट ट्राई एज ही माइट ही कुडंट राइड राइट इन स्पाइट ऑफ हिज एंड्यूरेंस। Here the poet says that there was an ambitious young eel. एक बार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बहुत ही ambitious young eel था जो कि बहुत ही keen interested था कि उसको एक bicycle को ride करना ही है। Who determined to ride on a wheel जो कि निश्चित करके बैठा था कि उसको कैसे भी करके एक wheel को ride करना है, means एक bicycle को, wheel means bicycle चलानी है। But try as he might he couldn't ride वो बहुत कोशिश करता है कि भाई मेरे को चलाना है बाइसिकल राइड करना है but couldn't ride right लेकिन फिर भी वो सही से राइडिंग नहीं कर पाता है in spite of his endurance means यहाँ पर कि अपने फुल एंड्यूर के बाद में फुल एफर्ट लगाने के बाद में पूरा एंथुसिएज्म के बाद में भी पूरा इंटरेस्ट दिखाने के बाद में भी वो ऐसा नहीं कर पाता है। इफ ही सेट ऑन द सैडल टू राइड हिज टेल ओनली पैडल वन साइड। देन आगे पोएट हमें बताते हैं कि अगर जब ईल राइडिंग करने के लिए बैठता है ऑन द सैडल टू राइड मींस जब सीट होती है बाइसिकल की उस पे बैठता है राइडिंग के लिए हिज टेल ओनली पैडल वन साइड तो ईल की जो टेल है बिकॉज जो ईल होता है वो एक स्नेक के जैसे दिखने वाला एक सी क्रिएचर होता है तो उसके हैंडवेंड नहीं होते हैं, हैंड वगैरह कुछ भी नहीं होता है तो उसको राइडिंग के लिए दोनों तरफ पैडल करना पड़ता है, पैडलिंग करनी पड़ती है बाइसिकल पे। बट उसके पास में तो ऐसे हैंड और लेग होते ही नहीं है तो उसका ये जो डिजायर है वो कैसे फुलफिल हो, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है। बट जब बताते हैं कि जब वो अपने इस डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश करता है तो वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो पहले बताते हैं कि जब वो बैठता है तो उसकी जो टेल है उससे वो एक तरफ के वन साइड से ही पैडल को पैडलिंग कर पाता है एंड आई एम श्योर यू विल एडमिट दैट एन ईल कुडंट सीट। और देन पोएट कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आप भी एडमिट करेंगे कि एक ईल जो है वो एक बाइसिकल पे अच्छे से नहीं बैठ सकता है ऑन अ बाइसिकल सैडल अस्ट्राइड। अस्ट्राइड मींस दोनों तरफ लैग करके बैठना एंड देन पैडलिंग करना तो एक ईल नहीं कर पाता है बिकॉज ईल के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो अपनी टेल को एज अ लेग यूज करता है बट टेल तो ईल के वन ही होती है तो एक साथ में एक तरफ ही वो पैडल घुमा पाएगा इसलिए यहाँ पर ये कहा गया। और इफ ही हैंग ओवर द टॉप
ही कुड गो बट ही नेवर कुड स्टॉप। और अगर वो टॉप के ऊपर आगे जो उसका हैंडल है उसको पकड़ लेता है, टॉप पे जाता है, तो उसके बाद में क्या करेगा? दोनों तरफ अगर वो लटक जाता है सीट पे, एक तरफ अपने माउथ से पैडलिंग करे देन एक तरफ टेल से, तो फिर वो बाइसिकल तो स्टॉप नहीं कर पाएगा ना। फॉर ऑफ कोर्स इट इज क्लियर ही हैड नो वे टू स्टीयर। यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उसके पास चलने का कोई रास्ता नहीं था और जो पैडल है उसके नीचे वो फ्लॉप हो जाता, उसके नीचे वो गिर जाता। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से उसको देख नहीं पाता और वो उसको रोक नहीं पाता और इसीलिए वो व्हील के नीचे फ्लॉप हो जाता, उस व्हील के नीचे वो आ जाता। His neighbor observing the fun said, I think that thing can be done. If you will listen to me, you will quickly agree that two heads are better than one. Then again, जो ईल होता है उसका एक नेबर होता है, पड़ोसी होता है, जो कि ऑब्जर्व कर रहा होता है इस फन को, वो कहता है आई थिंक दैट द थिंग कैन बी डन। तो जो दूसरा ईल होता है वो कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हम ये सब कर सकते हैं, हम बायसिकल को राइड कर सकते हैं, इफ यू विल लिसन टू मी। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप मेरा आइडिया सुनोगे, मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनोगे, यू विल क्विकली एग्री। और जैसे ही आप मेरी बात सुनोगे, आप जल्दी ही मेरी बात से एग्री हो जाओगे। किस बात से? दैट टू हेड्स आर बेटर देन वन, कि दो सर एक से ज्यादा अच्छे। हम सुनते हैं ना एक प्रोवर्ब कि एक से भला दो, मतलब एक आदमी जो काम करता है उससे बेटर है कि दो जने उस वर्क को करेंगे, तो इजीली वो हो जाता है। तो सेम यहाँ पर जो एम्बिशियस ईल होता है उसका नेबर भी उसको ये कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम करें। एंड दिस इज माय प्रोजेक्ट और चैम अराउंड आवर टू वेस्ट, आई विल रैप दिस ब्यूटीफुल बेल्ट ऑफ वॉटर ग्रीन फेल्ट एंड फास्टन इट फॉर्म विद अ स्टेप। उसके बाद में कहते हैं कि यह मेरा प्रोजेक्ट है, ओल्ड चैंप, पुराने चैंपियन। एंड आगे बताते हैं अराउंड आवर टू वेस्ट, कि अगर हम दोनों अपनी वेस्ट को रैप कर लेते हैं, बांध लेते हैं दिस ब्यूटीफुल बेल्ट, एक सुंदर से ब्यूटीफुल बेल्ट से ऑफ बॉटल ग्रीन फेल्ट, जिसका कलर कैसा है? जिसका कलर है बॉटल हरे कलर का, बॉटल ग्रीन कलर का होता है। एंड फास्ट एंड इट फॉर्म विद अ स्टेप, और उसके बाद में हम उसका जो बेल्ट है उसको टाइटली फर्मली हम उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद में हम ये काम कर सकते हैं। दिस डन विद अ डिग्निफाइड मेन, और वो क्या करते हैं? यही काम करते हैं विद अ डिग्निफाइड मेन, मीन्स एक डिग्निफाइड मीन्स सम्मानजनक मीन के साथ में, जिसका दूसरे भी देखे कि हाँ वाओ व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, वो इस तरह से करते हैं। द टू स्क्रम्ड अप ऑन द मशीन एंड रोड गैली अवे। अब जो दोनों के दोनों हैं उस मशीन के वहां पर, मतलब जो बाइसिकल है उस पे चढ़ जाते हैं और एक दूसरे को, यहाँ पर स्क्रिम्ड का मतलब होता है मूव फ्रॉम साइड टू साइड ड्यू टू डिस्कम्फर्ट और नर्वसनेस, कि दोनों वहां पर वो चलाते हैं, हाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट उनको होता है, ठीक है। एंड रोड गैली अवे, और उसके बाद में वो गैली दोनों मिलकर उसको मूव करते हैं और एटलीस्ट सो दिस है, और एंड में कम से कम वो ये तो कह सकते हैं क्या, हु विटनेस द वंडरफुल सीन, क्या कहते हैं वो कि जिसने ये अद्भुत दृश्य देखा, वंडरफुल सीन देखा, वो यही कहेंगे कि ये इनका कितना अच्छा ब्रिलियंट आइडिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक ये लेसन बताया गया है कि मोस्टली हम खुद एक प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं और अगर हम अपने उस प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो हमें उसका सलूशन मिलता ही मिलता है। जिस तरह से ईल को उसकी प्रॉब्लम का सलूशन मिला, उसकी डिजायर जो है वो फुलफिल हो गई, तो बहुत बार हमें अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। और इसीलिए इस पॉइंट में कहा गया है टू हेड्स आर बेटर देन वन, कि दो सर एक से ज्यादा बेटर है। स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।